हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। पानीपत की तीसरी लड़ाई 18 सेंचुरी में लड़ी गई, जिसको मेजर यानी प्रमुख और इम्पोर्टेंट वॉर इवेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण युद्ध घटना में से एक माना जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 97 किलोमीटर नॉर्थ में मराठा एम्पायर के नॉर्दर्न एक्सपीडिशनरी फोर्स और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह दुरानी के बीच दो इंडियन मुस्लिम एलिस दौब के रोहिल्ला अफगान और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच लड़ी गई थी। अब देखते हैं कॉजेस ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट पॉइंट है मराठास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग मुगल एम्पायर। अंताजी मनकेश्वर दिल्ली में तैनात मराठा फोर्स के कमांडर के रूप में पोस्टेड थे। मराठास को अजमेर और आगरा के सूबा भी दिए गए थे, जो राजपूतों और जाटों के अंडर थे। इससे उनके और मराठों के बीच रिसेंटमेंट मतलब कि नाराजगी पैदा हो गई। यह समझौता मराठा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मराठा ने इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से मुगल एम्पायर की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली थी। इसने इंडिया की पॉलिटिक्स में मराठास का सुप्रीमेसी स्टेबलाइज किया। अब्दाली ने अपने एजेंट को 50 लाख की ट्रिब्यूट की मांग करते हुए दिल्ली भेजा। वजीर ने खतरे को समझते हुए पेशवा से आर्म्ड हेल्प मांगी। रघुनाथ राव को शिंदे और होलकर के साथ इस अभियान पर भेजा गया था। सेकेंड पॉइंट है वीकनेस ऑफ मुगल रूलर्स। अहमद शाह अब्दाली ने नॉर्थ इंडिया पर बार बार आक्रमण किया। वह दिल्ली पर कब्जा करने के लिए डिटरमाइन होकर आया था, मतलब ये था कि दिल्ली को ऑक्यूपाई करना ही है। और उसके साथ उसका बेटा तैमूर शाह भी था। लाहौर और सरहिंद पर कब्जा कर लिया गया। जब तक वह दिल्ली नहीं पहुंचे, तब तक उनका कोई विरोध नहीं था, अपोजिशन नहीं था वहां। दिल्ली को लूट लिया गया और तबाह कर दिया गया। दिल्ली छोड़ने से पहले उन्होंने एम्पायर को कश्मीर, लाहौर, सरहिंद और मुल्तान को छोड़ने के लिए मजबूर किया। उन्होंने इन प्रोविंसेस की सरकार की निगरानी के लिए अपने बेटे तैमूर शाह को अपॉइंट किया। नाजिब खान रोहिला को मीर बख्शी के रूप में अपॉइंट किया गया था और उन्होंने अब्दाली के एजेंट के रूप में राजधानी को धारण करना जारी रखा। पेशवा को रिपोर्ट भेजने के लिए दिल्ली में तैनात मराठा एजेंट अंताजी मनकेश्वर नाना साहब ने रघुनाथ राव सखराम बापू मल्हव राव को डिप्यूट किया या अपॉइंट किया। उसके बाद क्या होता है कि होलकर और बाकी लोग नवंबर 1756 में दिल्ली गए। नाजीब के एजेंट को वहां से भगाने के लिए सखराम बापू दौब में घुस गए। फिर है रघुनाथ रावस इनएडुक्वेट एफर्ट्स। रघुनाथ राव राजपूताना से दिल्ली के लिए आगे बढ़े। उन्हें एम्पायर से 13 लाख रुपए के एनुअल ग्रांट और इंपीरियल सर्विस मतलब शाही सेवा के लिए 5000 ट्रूप्स के मेंटेनेंस के लिए रिलायंस करना था। रघुनाथ राव ने अगस्त 1757 में दिल्ली पर हमला किया। नाजिब खान को शांति के लिए मुकदमा करना पड़ा। मल्हर राव के नाजिब के साथ अच्छे संबंध थे उसके, इसलिए उनकी राय थी कि नाजिब को नाराज नहीं होना चाहिए और उन्हें मीर बख्शी के पोस्ट के लिए अलाउड कर देना चाहिए। लेकिन नाजिब खान को अपने पोस्ट से डिप्राइव कर दिया यानी हटा दिया गया, क्योंकि एम्पायर पंजाब का पालन करने के लिए उत्सुक था। उन्होंने रघुनाथ राव को लाहौर जाने के लिए इंकरेज किया। मराठा ने मार्च अप्रैल 1758 में सरहिंद और लाहौर पर कब्जा कर लिया। वह उस रीजन में शांति और स्थिरता
स्थापित करने के लिए स्टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स मीन्स कठोर प्रशासनिक उपाय को लागू करने में फेल रहे। अब फोर्थ पॉइंट है अब्दालीस इन एम्बिशन। लेकिन 1758 की कंडीशन मराठास के फेवरेबल थी क्योंकि अब्दाली को वेस्ट के पर्शिया से खतरा था और वह अपने एम्पायर के अंदर रिवॉल्ट के खतरे का सामना कर रहा था। 1759 में अब्दाली अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को दूर करने में एबल था और उसने स्पेशली मराठा के खतरे को दूर करने के लिए इंडिया में पांचवें आक्रमण को लीड करने का फैसला किया। उन्होंने अपने जनरल जहान खान को भेजा। 1758 में अदीना बेग की डेथ के बाद सबाजी शिंदे को लाहौर के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। जहान खान को सबाजी ने हराया था लेकिन जब अब्दाली एक लार्ज आर्मी के हेड के रूप में आया तो वह उसका विरोध नहीं कर सका। वह आपस गिरने का फैसला किया। नाना साहेब ने सदाशिवराव भाऊ को नॉर्थ में सिचुएशन को संभालने के लिए भेजने का फैसला किया। पेशवा नाना साहेब के सौन विश्वास राव और मराठा सरदार इस अभियान में शामिल हुए। सदाशिवराव भाऊ की कमांड के अंडर बेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट और बेहतरीन तोपखाने के साथ 30,000 वेल आर्म्ड ट्रूप्स मतलब सैनिकों को रखा गया था। नॉर्थ में जानकोजी शिंदे, मल्हर राव होलकर, गोविंद बलाल और मराठा सरदार को सदाशिवराव भाऊ की कमांड के अंडर एक्ट करने के लिए या कार्य करने के लिए डायरेक्ट किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है नाजीब खान्स इनविटेशन टू अब्दाली। नाना साहेब ने दत्ताजी शिंदे को मराठास के मामलों को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया था। उन्होंने दिल्ली के प्रति एक मजबूत पॉलिसी अपनाई। अब्दाली को मराठा के खिलाफ इनवाइट करने की जिम्मेदारी नाजीब की थी, इसलिए दत्ता जी ने उसे कुचलने का फैसला किया। लेकिन नाजीब खान ने शुक्रताल में पोजीशन हासिल कर ली थी। 10 जनवरी 1760 को बुराड़ी घाट पर अब्दाली और दत्ता जी शिंदे के बीच एक बैटल हुआ जिसमें दत्ता जी मारे गए। मदद के लिए आए मल्हार राव को भी मार्च 1760 में सिकंदराबाद में हराया गया था। नाजीब खान ने अब्दाली से रिक्वेस्ट किया कि वह बुराड़ी घाट की डिजास्टर का बदला लेने के लिए दक्कन से आने वाली मराठा सेना से मिलने के लिए दौब में ही रहे। फिर आता है कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट पॉइंट है द प्लाइट ऑफ द मराठास। पानीपत की तीसरी लड़ाई डिसिसिव साबित हुई और भारत के इतिहास पर इसका दूर तक प्रभाव पड़ा। बैटल के अगले दिन अनूपगिरी और काशीराज ने युद्ध के मैदान को विजिट किया। फिर उन्हें डेड बॉडीज के 32 ढेर दिखाई दिए। इसमें 28,000 लाशें थी। इस लड़ाई में 90,000 वुमेन्स और चिल्ड्रेन को गुलाम बनाया गया था। भाऊ साहेब विश्वास राव, इब्राहिम खान, यशवंत राव पवर, तुकोजी शिंदे, जानकोजी शिंदे मारे गए। इस लड़ाई में मराठास की वॉरियर जनरेशन यानी कि योद्धा पीढ़ी नष्ट हो गई थी। सेकेंड पॉइंट है ट्रबल फॉर द मुगल्स। लड़ाई ने प्रैक्टिकली भारत में मुगल रूल को एंड कर दिया। एम्पायर की पोजीशन इतनी होपलेस हो गई थी कि वह 11 साल की पीरियड के लिए राजधानी दिल्ली नहीं आ सकता था जब तक कि महदजी शिंदे ने उसे 1772 में मराठा प्रोटेक्शन के अंडर रिस्टोर नहीं किया। पानीपत की जीत के बाद
अब्दाली ने दिल्ली पर अधिकार कर दिया। मुगल बादशाह शाह आलम ने दिल्ली से भागकर इलाहाबाद में शेल्टर ली थी। अब्दाली के घर जाने के बाद नजीम खान ने दिल्ली की पावर संभाली। हालांकि माधवराव के समय में मुगल एम्पायर पावर में वापस आया, लेकिन वह केवल नॉमिनल था, नाम मात्र था। थर्ड पॉइंट है राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। नाना साहेब पेशवा के शासनकाल में जब मराठा पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, तब अंग्रेज मुगल एम्पायर के धनी बंगाल सूबे में अपनी सूझबूझ और साहस से किंगडम को कंट्रोल कर रहे थे। पानीपत की लड़ाई ने मराठा और मुस्लिम पावर को कमज़ोर कर दिया और उभरती हुई इंग्लिश पावर्स को बेनिफिट पहुंचाया, लाभ पहुंचाया। मराठास की हार ने नॉर्दर्न हिंदुस्तान में एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा कर दिया, जिसे इंग्लिश पावर से भर दिया गया था। फोर्थ पॉइंट है द राइज ऑफ माधवराव पेशवा। नाना साहब पेशवा के सेकंड सन माधवराव पेशवा एक बुद्धिमान और एबल रूलर थे। उन्होंने पानीपत की हार के कलंक को मिटा दिया और मराठा पावर्स को फिर से चमका दिया। फिफ्थ पॉइंट है राइज ऑफ हैदर अली। पानीपत की हार ने कर्नाटक से मराठास के बेस को उखाड़ फेंका। इससे पहले मराठास ने कर्नाटक के क्षेत्र को पूरी तरह से जीत लिया था। पानीपत की हार ने उन्हें आने वाले कुछ समय तक कर्नाटक पर ध्यान नहीं देने दिया। इसका फ़ायदा उठाते हुए एम्बिशियस और करेजियस एक साहसी हैदर अली ने मैसूर के हिंदू राजा की पावर को डिस्ट्रॉय करके अपनी पावर स्टेबलाइज कर ली। हैदर अली के राइज से मराठास के एनिमीज के बीच एक और एनिमी की ग्रोथ हुई। हैदर अली जीवन भर मराठास को परेशान करते रहे। सिक्स्थ पॉइंट है एमर्जेंस ऑफ सिख पावर। पानीपत की लड़ाई से पहले पंजाब में मुगल्स, मराठास, अब्दलीस और सिख्स के बीच एक इंटेंस मीन्स एक ग्रेट पावर स्ट्रगल था। हालांकि पंजाब के ओरिजिनल पावर सिख थे, लेकिन पंजाब उनके ओंड में नहीं हो सकता था। कभी यह मुगलों के कंट्रोल में था, कभी अब्दलीस के अंडर, कभी मराठास के अंडर। फॉरेन इन्वेशन यानी कि विदेशी आक्रमण के खतरे के कारण सिख लगातार अपने एट्रोसिटीज़ यानी अत्याचारों का सामना कर रहे थे। पानीपत वॉर ने इस सिचुएशन को बदल दिया। मराठास की हार हुई और अब्दाली भी अफगानिस्तान चला गया ताकि सिख पंजाब में पावर स्टेबलाइज कर सके। लास्ट है कंक्लूजन। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। इस लड़ाई का नॉर्थ में मराठास के एक्सपेंशन पर एडवर्स यानी एकदम नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। यह बैटल ना तो मराठा के लिए और ना ही अब्दाली के लिए फ्रूटफुल साबित हुआ, मतलब किसी को इससे बेनिफिट नहीं हुआ। अब्दालियों, मुगलों और मराठों की पावर के नुकसान के साथ अंग्रेजों को भारत में पावर स्टेबलाइज करने की खुली छूट मिल गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।